हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है किरोशा पैरामेडिकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से न्यू वैकेंसी मॉर्चुरी अटेंडेंट। पिछली बार CREAIIMS में जो एग्ज़ाम हुए थे उस टाइम मॉर्चुरी अटेंडेंट के कुछ पोर्शन को डाल दिए थे। हॉस्पिटल अटेंडेंट, मॉर्चुरी अटेंडेंट सेम लेवल ऑफ द पे ग्रेड है। एम्स मंगलागिरी में मॉर्चुरी अटेंडेंट की सेपरेट पोस्ट डिक्लेयर करी गई है। हॉस्पिटल अटेंडेंट जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग उसका देंगे, मॉर्चुरी अटेंडेंट के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपको सेपरेट उसका फॉर्म अप्लीकेशंस भरना पड़ेगा। इसकी सीटें कितनी है, पे ग्रेड क्या रहेगा, सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए, उस सब के लिए अपन डिटेल में और देखेंगे। तो किरोशा पैरामेडिकल क्लासेस पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी एस्पिरेंट आपके दोस्त क्वालिफाई हैं इस एग्ज़ाम को अपीयर करने के लिए उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट देरी किए। तो आपका मॉर्चुरी अटेंडेंट का जो कंप्लीट कोर्स, जी हाँ ओके, तो मॉर्चुरी अटेंडेंट कहाँ पे है, तो सर ये एम्स मंगलागिरी में वैकेंसी आई है। कहाँ पे वैकेंसी आई है, तो सर एम्स मंगलागिरी। अभी मंगलागिरी कहाँ पे है, तो सर मंगलागिरी आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। वैकेंसी कितनी है, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, उस सब के बारे में देखेंगे अपन। तो चलिए देखते हैं मॉर्चुरी अटेंडेंट की वैकेंसी कितनी है। तो सर मॉर्चुरी अटेंडेंट की दो वैकेंसी आई है, कौन सी कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो UR जनरल वाले। अब बोलोगे सर दो ही वैकेंसी, तो दो ही वैकेंसी इसलिए लोग भी एप्लीकेशन कॉम्पिटिशन भी उतना ही लेवल का रहता है, क्योंकि अप्लाई नहीं करते यूजली दो ही वैकेंसी अगर गए तो। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, अप्लाई करना है। अगर आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो और आप अप्लाई कर सकते हो तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अगर आप इलिजिबल हो, आगे देखिएगा वीडियो में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपके फॉर्म कब से, ये जो आपकी 15 मार्च को एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, एग्जाम डे फॉर्म भरने की कब तक भर सकते हैं और एग्जाम कब तक होगा, ये हार्ड कॉपी तो अपन को भेजनी नहीं है। तो कोई भी इसके लिए कॉल नहीं करेगा सर हार्ड कॉपी भेजनी है कि नहीं भेजनी है, आपको खाली ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, राइट। चलिए अब देखे सर, फॉर्म स्टार्ट हो गए तो फॉर्म नहीं स्टार्ट हुए है ना, फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, जैसे ही स्टार्ट होंगे हम यूट्यूब पे अपडेट कर देंगे आपको। असेंशियल क्वालिफिकेशन सर 10th पास होनी चाहिए, ओनली 10th पास मांगा है यहाँ पे, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई मार्कशीट नहीं मांगी है, राइट। अब आगे देखेंगे, जी हाँ एक्सपीरियंस जरूर मांगा है डिजायरेबल में, अगर है वांछनीय तो आपका हॉस्पिटल मॉर्चुरी में, हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस में तो आपको बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन असेंशियल नहीं मांगा है, वांछनीय है कि आपका है तो बढ़िया है, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, तो सर वैलिड ईमेल आईडी होने चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होने चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मतलब 10th क्लास की सर्टिफिकेट है, तो बाकी सब आपका हो जाएगा, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, चलिए और देखें सर एज कितनी बोली हुई है, तो एज आपकी 30 ईयर है ना। जनरल के कैंडिडेट के लिए 30 साल के हो तो आप इलिजिबल हो, 30 साल के लिए हो तो आप इलिजिबल हो। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन एससी एसटी को 5 ईयर 35 ईयर तक इलिजिबल है, ओबीसी की 3 ईयर मतलब 33 ईयर की, फिजिकल हैंडीकैप के यूजली कितने हो जाते हैं, फिजिकल हैंडीकैप के आपके 40 ईयर तक आप इलिजिबल हो। तो ये आपकी एज क्राइटेरिया हो गई, अगर आपका एज है तो इस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब देखें नेक्स्ट, फीस कितनी है। फीस इंपॉर्टेंट होती है जब जॉब नहीं लगी होती है, तो फीस का देखें तो UR OBC EWS के 1500 है, SC ST एक्स सर्विसमैन के 1000 है, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए फ्री है। क्या फी रिफंड होगी, तो रिफंड यस, फी रिफंड होगी, तो हाँ रिफंड होगी, एससी एसटी वालों की फी रिफंड होगी। एक बार पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वाला पूरा आपके ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होगी उसके बाद ही होगी, तो जब कब फीस होगी कैसे होगी उसके लिए वेबसाइट फॉलो करें, क्लियर है, वेबसाइट पे आपको अपडेट दे दी जाएगी। सर NOC हाँ, अगर आप कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम करते हो, स्टेट गवर्नमेंट रेलवे लाइक किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आप एम्स मंगलागिरी में जॉब चाहते हो, किसी और एम्स में काम कर रहे हो, तो आपके लिए NOC मस्ट है, बिना NOC आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, तो ये चीज़ ध्यान रखना।
एग्जाम सिटी तो यहाँ पे 16 सिटी एग्जाम सिटीज डिसाइड करी है जहाँ पे एग्जाम होगा आपका विजयवाड़ा, चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ, पटना, भोपाल, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, गुवाहाटी, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड रायपुर और भुवनेश्वर। इन सभी जगहों पे एग्जाम होगा। मतलब आपके कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है हर बार जैसे आंध्र प्रदेश जाना पड़ेगा तो एक्सपेंस ज़्यादा होगा, आपके घर बाय नियर बाय ये जो सिटी है वहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। क्लियर है? चलिए, हाँ जी, मोर्चरी अटेंडेंट का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। मोर्चरी अटेंडेंट का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है तो कितने में अवेलेबल है तो ध्यान रखना, इसकी फीस अभी के लिए मात्र 999 रुपीज़ है। कितनी है? मात्र 999 फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए। तो जल्दी से आप आपका रजिस्ट्रेशन करें। अभी तो एडमिट आपके क्या होगा, डेट आई नहीं है, बहुत जल्दी आ जाएगी। डेट आए उसके बाद जगह, इससे पहले एडवर्टाइजमेंट आ गया उसका एम्स का आप खुद को पता है, मौका नहीं देता, बहुत जल्दी ज्वाइनिंग करा देता है, बहुत जल्दी एग्जाम करा देता है। तो आप इसलिए सब जल्दबाजी में करने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों, आपको ये चीज़ समझनी होगी। आपको इसके लिए करना क्या है, इसके लिए करना क्या है तो आपको इसके लिए किरोशा अकेडमी ऐप को डाउनलोड करनी है। जो न्यू किरोशा अकेडमी ऐप है उसको डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, है ना। जो न्यू बच्चे हैं, ओल्ड बच्चों के लिए कोर्स अवेलेबल है, न्यू बच्चों के लिए किरोशा अकेडमी की न्यू ऐप डाउनलोड करें जो कि नई ऐप है। वहाँ पे अंदर पेड कोर्स में, अंदर पेड कोर्स में पैरामेडिकल क्लासेस का फोल्डर है, उसमें कोर्स अवेलेबल होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो 8502065080 पे ज़रूर कांटेक्ट करें, इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें, आपकी ज़रूर हेल्प कर दी जाएगी। आपको क्या करना है, इधर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। कभी कभी कॉल लाइव क्लासेस की वजह से नहीं अटेंड कर पाते, आपको मैसेज पे जब भी टाइम अवेलेबल है आपकी हेल्प कर दी जाएगी। सो हॉस्पिटल अटेंडेंट की ग्रांड सक्सेस के बाद अब मॉर्चरी अटेंडेंट की भी वैकेंसी आई है। आप उसके लिए भी जो छोटी छोटी वैकेंसी होती है ना वहाँ पर कंपिटिशन कम होता है, आप मस्ट अप्लाई करें। सो धन्यवाद दोस्तों।